जिम्मी शेरगिल सर की मूवी का एक ट्रेलर आया है, तो टाइम वेस्ट करते ना, पहले ट्रेलर देखते हैं फिर उसका रिव्यू करेंगे। करते स्टार्ट, 3 2 1 गो। जो टाइम से तेज चलेगा जीतेगा, जो टाइम के पीछे चलेगा वो हारेगा। कुछ दिन का मेहमान है नवाब, मरने वाला है वो। कादर का औकात नहीं है नवाब की कुर्सी पर बैठने का। नवाब का इकलौता वारिस है वो। बैकग्राउंड सॉन्ग जो आ रहा है ना काफी अच्छा है। बैठा है ना, उसकी चार टांगे हैं, साकिर शेख, फिरोज नमाजी, तात्या, प्रताप सिट्टी। नवाब के जाने का टाइम आ गया है। नवाब के जाने के बाद इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तू है भाई। इन सबको एक साथ एक रात में मारना होगा। वन नाइट। इतने सारे लोगों को कैसे मारेगा? गेम में बिछाएगा भाई, तेरे को। भाई ये बंदा पता नहीं कब बुढ़ा होएगा, इसका लुक मुंबई का नया डॉन कादर पठान। कुछ भेजा है व्हाट्सएप? चेक करो ना। कादर हो जाबे, आज रात कुछ बड़ा करने वाले हैं। नवाब हमेशा कहता था, तुम जिसे आते हुए देख नहीं पाते वो तुम्हें गिरा देता है। सर, अन्या शेट्टी को किसी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। नवाब और कादर को तुरंत मारना पड़ेगा। गैंग वॉर छिड़ जाएगा। सुबह होने से पहले ये सब टपकने वाले हैं। ये भोसड़े के, अभी तूने कोई पैतरी की है ना तो तुझे मार के यहीं गाड़ दूंगा पुलिस स्टेशन में, समझा? मेरे को तो आप कभी भी मार सकते हो साहब। अभी फिरोज को बचाओ, टाइम कम है तुम्हारे पास। सर एक के बाद एक लोग मर रहे हैं। सर जावेद ने ऐसा नेटवर्क किया कि कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए बोला गया है। अन्य का अगर उसने फील्डिंग लगाया तो तेरा भी लगाया होगा, मेरा भी लगाया होगा। वो झांसा दे रहा है आपको। मुझे घर के चारों ओर अपने आदमी चाहिए। अपने लड़के लोगों को रेडी कर दे। गोलियां कम पड़ जाएगी तुम्हारी। तू भी आज से इस शहर का भाई नहीं बल्कि बाप बन गया है। तेरे को अगर कुर्सी पे बैठने का है, ये धंधा करने का है, तो दोस्तों को मारने की आदत डाल ले भाई। ट्रेलर तो काफी अच्छा लगा, इंगेजिंग भी लगा मुझे। अगर मैं ऑल ओवर ट्रेलर की बात करूं, जो मुझे स्टोरी समझ में आई वो ये समझ में आई कि एक ही रात की स्टोरी होगी सारी की सारी, जिसमें कुछ 5-6-7 लोगों का मर्डर किया जाएगा ताकि एक बंदा डॉन बन सके। क्योंकि एक जो पहले से डॉन है उसकी मौत हो रही है किसी वजह से, शायद किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से। इसका बीजीएम मुझे काफी अच्छा लगा, स्टोरी इंगेजमेंट लग रही है, और वन नाइट की होगी तो ये समझ लो कि स्टोरी फास्ट पेस भी होगी। कि तो ट्रेलर ठीक था, अच्छा था। हालांकि जिम्मी शेरगिल सर को देखकर हमेशा से मजा आया है मुझे। इनका मैं बहुत अच्छा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। इनके लुक्स और इनके डायलॉग्स, मुझे इनकी एक्टिंग पसंद है ऑल ओवर। वैसे तो बड़े बड़े एक्टर इसके अंदर देखने को मिले हैं। आपको टाइम मिलता है तो आप भी देखिए, और मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं देखूंगा। 19 मई को ये आएगी। अभी आप इस ट्रेलर को देखिए और बताइए आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।